दोस्तों, स्वागत है आपका वेक्टर के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ये एक ही, दोनों नाम एक ही हैं, इनको अलग अलग पुकारा जाता है और इसको हिंदी में अदिश गुणन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है क्या, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, फिर मैं आपको इस पर बेस्ड दो तीन निमेरिकल लगवाऊँगा, तो इनको ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, कोई दो वेक्टर है सदिश, और इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो जब भी आपसे ये पूछे कि किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ होगा। फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स वी यूज़ डॉट प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है और ये कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मान लीजिए दो वेक्टर ए और बी हैं, जैसा अभी आपको चित्र में मैंने दिखाया। तो ए वेक्टर और बी डॉट, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब आप डॉट करते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं बीच में, तो इसी पॉइंट के आधार पर इसका नाम बना है डॉट प्रोडक्ट। और इसका आपको आंसर मिलता है मॉड ए, मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि मॉड ए और यहाँ मैंने लिखा है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का केवल ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है और ये कॉस थीटा है। और ख़ास बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस स्केलर प्रोडक्ट में, जब आप किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो एक रियल नंबर होती है। यानी इसमें अब कहीं वेक्टर का कोई चांस नहीं है डायरेक्शन गायब हो गई, क्योंकि मेरा नंबर बचेगा एक, जैसे 5, 10, 20, -10, कुछ भी, 0, कोई भी नंबर आएगा, रियल नंबर, समझते हैं ना, रियल नंबर माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, तो कोई रियल नंबर आएगा। डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक रियल नंबर होगा। अभी मैं आपको इस पर एक आईआईटी का न्यूमेरिकल भी लगवाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ए फर्स्ट वेक्टर है, बी सेकंड वेक्टर है, ये मॉड ए है, ये मॉड बी है, और हमको मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दिया है। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। मान लीजिए हमको कोई एक न्यूमेरिकल दिया है कि मॉड ए, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट आपको दिया हुआ है 1000, मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है, मॉड ए दिया है 5, मॉड बी दिया है 400, और आपसे पूछ रहा है कि ये थीटा बताओ। तो आपको ध्यान देना ये है कि ए डॉट बी आपको गिवन है और मॉड ए मॉड बी गिवन है, थीटा बताना है। तो आप सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू आपको 1000 दी है, मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है, कॉस थीटा, तो 4 × 5 = 20, 2000 हो गया ये। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1000/2000, और ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 का होती है 60 डिग्री पर। तो देखिए, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये जो थीटा मिलेगा, ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा। जो इधर वाला एंगल है, बड़ा वाला एंगल, वो भी होगा इनके बीच, जो कि इस वक्त 300 है, तो उसको आप 300 में से माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया दो वेक्टर के बीच ए और बी का डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना। अब मैं आपको देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए एक बार आईआईटी में पूछा गया था कि कोई दो वेक्टर ए और बी हैं, तो उनके लिए, कोई दो वेक्टर ए और बी हैं तो उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से मीनिंगलेस है। जैसे देखिए कहा गया था, विद रिस्पेक्ट टू डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगलेस। तो हाँ, ध्यान दीजिए, पहला स्टेटमेंट है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मीनिंगलेस है। तो पहला स्टेटमेंट है ए डॉट बी प्लस वेक्टर सी, दूसरा है ए डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए बी सी डी से वेक्टर है कोई, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस डी माइनस सी, और चौथा स्टेटमेंट है ए डॉट बी डॉट सी ब्रैकेट में। तो आपको पहले, आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आप इसमें से आपको कौन सा मीनिंगलेस लग रहा है, इसमें मोर देन वन भी ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए, चलिए सबको एक एक करके चेक करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ लगता है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच लगता है और इसका आंसर स्केलर होता है। ध्यान सुनिएगा, ए और बी दो वेक्टर हैं और किसी भी दो वेक्टर के बीच में ही आप डॉट लगा सकते हैं, पहली शर्त यह है। और दूसरी शर्त यह है कि इसका जो आंसर आता है वो एक नंबर आता है, ठीक है। तो दो चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए, ए डॉट बी, तो आप समझ गए कि ये जो ए डॉट बी, ये एक नंबर आएगा। अब ये जो नंबर आ रहा है उसको आप किसी वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, यहाँ लिखा है ना प्लस, तो नंबर ये ए डॉट बी पूरा एक नंबर हो गया। तो एक नंबर को आप कहाँ ऐड करेंगे, एक नंबर को आप कहाँ ऐड करेंगे, नंबर में, और ये क्या है, वेक्टर। तो इस वेक्टर में ये ए डॉट बी ऐड नहीं हो सकता, तो ये मीनिंगलेस है। अब ऐसे इसमें आइए, ए वेक्टर है, ठीक है, डॉट सही है, और बी प्लस सी
बी प्लस सी कोई दो वेक्टर का सम है, तो दो वेक्टर का सम भी क्या आएगा, बी प्लस सी विल बी ए न्यू वेक्टर मान लीजिए एफ, और ये ए डॉट एफ डिफाइंड है, यानी ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड, पहला ऑप्शन डिफाइंड नहीं है, दूसरा डिफाइंड है, तीसरा देखिए ए डॉट बी ये एक नंबर आएगा डिफाइंड है, बी डॉट सी ये भी एक नंबर आएगा डिफाइंड है, उसके बाद डी माइनस सी, तो डी माइनस सी एक वेक्टर आएगा, और बी सी ए बी इनका जब आप डॉट करेंगे तो नंबर आएगा, तो नंबर ए डॉट बी इज नंबर, बी डॉट सी इज नंबर, बट डी एंड सी आर वेक्टर्स, तो आप वेक्टर को घटा तो सकते हैं लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा, तो उस वेक्टर को आप इस नंबर में ऐड नहीं कर सकते, यानी ये भी मीनिंगलेस है। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको देखिए ए डॉट बी डॉट सी, तो इसमें देखिए बी डॉट सी स्केलर आएगा और स्केलर का डॉट वेक्टर से नहीं हो सकता, ए के बाद डॉट के बाद ब्रैकेट में वेक्टर होना चाहिए, अब ये ना बी बचा है ना सी बचा है, बी डॉट सी करने से एक नया नंबर आ जाएगा, तो नंबर का वेक्टर ए से डॉट नहीं हो सकता। तो इस सवाल में चौथा ऑप्शन मीनिंगलेस है, तीसरा ऑप्शन मीनिंगलेस है, दूसरा मीनिंगलेस नहीं है, सही है, ये मीनिंगफुल है, और ए डॉट बी प्लस सी ये भी मीनिंगलेस है। तो तीन ऑप्शन, पहले तीसरे और चौथे, ये तीन ऑप्शन मीनिंगलेस है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट करेक्ट लिखा है मतलब इसकी मीनिंग है। तो ये क्वेश्चन IIT में आया था, ऐसे ही चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।